أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم मैं आज 15 जुलाई 2023 ख्वाजा ख्वाजगान बादशाह वलायत महबूब आला हजरत साहब करमा वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत बाबा जी पीर ख्वाजा सैयद उस्मान अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह दी इस पुरनूर खत्म शरीफ दी महफल दे विच करमा वाला शरीफ दी इंतजामिया और खादमीन दी तरफों तमाम बेलियां खुशामदीद करना। अस्सलामु अलैकुम बेलियो तगड़े जी। बेलियो मैं अज ज्यादा गल नहीं करनी, मुख्तसर अर्ज करनी है। खत्मे पाक की महफल करमा वाला शरीफ दे विच आज हुई और 14 जुलाई यानी कि कल जिहड़ा दिन गुजर गया है, पूरे पाकिस्तान दे विच जिथे जिथे बेली मौजूद ने, बेलियां ने, मेरे दादा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्हां दे असी गुलाम हाँ, उन्हां दे गुलामां दे गुलाम हाँ, उन्हां दे उस पाक भी कराया। अज दी खत्म शरीफ दी करमा वाला शरीफ दे विच महफल दे विच मैं कुछ अर्जा तुहाडे नाल करना चाहना। सब तो पहली गल मैं ये करना चाहना कि जिसले मेरे दादा जी सैयद उस्मान अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह दा दुनिया के उत्ते जहूर होया, आप दी पैदाइश हुई, आप तशरीफ लैके आए, उस दिन तो ही बल्कि उस तो भी पहले तो आला हजरत साहब करमा वाले दे आप महबूब तरीन हस्ती ने, महबूब तरीन औलाद ने और हजरत साहब पाक मेरे दादा जी के उत्ते अश इन्दे विच कोई शक नहीं, ये महबूबा दियां गल्लां ने। और आपने अक्सर फरमाना आप बेली बैठे ने इन्हां तों पुछ लवो कि बेलियो पीर सोहना है कि मैनू सोहना लगता है, और आपने ये फरमाया, मैं निहायत ही अदब नाल अर्ज कर रहा हूं, आला हजरत साहब करमा वाले का कौल है कि बेलियो सानू ते पीर सैयद उस्मान अली शाह लई दिंदा है। मेरे वाल साहब अक्सर फरमाते सन और हक फरमाते सन, अजकल के बेली साढ़े ठीक ने, बाबे सैयद उस्मान अली शाह के बेली पक्के, और अलहमदुल्ला मैं अपनी खुशकिस्मती समझना कि असी आप दे दर दे खाक सार चाहूकश हाँ, और इंशाअल्लाह ताला खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी साह तक हजरत साहब के और बाबा जी सैयद उस्मान अली शाह के दर की खिदमत करते रहेंगे। करमा वाला शरीफ अहले सुन्नत वाल जमात नक्शबंदी हनफी आस्थाना है, इत्थे सारा ही नूर ज़हूर हजरत साहब करमा वालियां दा है, बाबा जी सैयद उस्मान अली शाह साहब दा है, बाबा जी सैयद मुहम्मद अली शाह साहब दा है, इत्थे सारा नूर ज़हूर हजरत साहब शरफुल शरीफ वालियां दा है, और कोई शक नहीं कि ये दीवा नबी पाक हजूर ताजदारे मदीना नूरे कलबे सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलाया है, और एक कयामत तो बाद भी बुझन नहीं लगा इंशाअल्लाह। इस वास्ते कि आला हजरत साहब करमा वाले ने फरमाया, और मैं डंके की चोट से कहना कि आपने फरमाया कि बाबे सैयद उस्मान अली शाह का दीवा बोलेगा और इंशाअल्लाह ताला बोलता रहेगा। आप वर्गा करीम दोबारा दुनिया से पैदा नहीं होना। मैनू हजरत मियाँ साहब मियाँ खलील अहमद साहब सरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने खुद फरमाया, मेरे वालिद साहब बाबा जी सैयद मीर तैयब अली शाह साहब आपके कोल बैठे सन, तो आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई, मैं भी हाजिर हो गया कोठी शरीफ की गल अंदर, तो आपने मैं खुद फरमाया कि तुहाडे दादा जी जिन्ना सही मैं अपनी जिंदगी दे विच नहीं देखिया।
लिहाजा ये मेरी और तुहाड़ी खुशकिस्मती है कि असी साइयां दे बेली हाँ, और इंशाअल्लाह ताला तुसी हजरत साहब दे और मेरे दादा जी दे बेली हो, और मेरी ड्यूटी है मैं आखिरी दम तक तुहाडे नालैन पाक सिद्धे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। हजरत साहब पाक राजी रहन, मेरे दादा जी पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह राजी रहन। बेली ओ गल इन्नी ही है कि भावें दुनिया के दीवे लख बलदे सानू सजना बाग हनेरा है, इन्ना औलिया अल्लाह का फैज इतने कायम दायम है, और बेशक शुभा के हस्तियां जिंदा इन कोई शक। दूसरी गल मैं ये करना चाहना एक दफा ना कोई बेली हो टांगा हो बेली जारी तौर पर थोड़ा जहा माड़ा सी ते आप उन्हें टांगे से बैठ गए। माड़ा की सी सारे को टंगा सी सारे को सारे को टांगे शीश फरमा होए टांगा चल रहा सी ते नाल एक बेली बड़ा महंगा जहा टांगा घूड़े घूड़े वाहवा होते ते ओ लै ते उन्हें अर्ज की थी कि सरकार इत तशरीफ लाया वो जरा मेरे लगा माड़ा बेली सी ना वो थोड़ा जा दिल बर्दाश्त हो गया भी मैं माड़ा हाँ ते आप उस टांगे तो उठे नहीं, आप उस टांगे के उत्ते ही सफर फरमाया। ये मेरी तुहाडी खुश नसीबी है कि असी जरूर माड़े हाँ, साडे साईं तगड़े ने और तोड़ नभाना जानते ने इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा और तुहाडा ईमान है कि जिन्हां दी बहादुर साहब करमा वाले ने और बाबा जी सैयद उस्मान अली शाह साहब ने फड़ी हुई है इंशाअल्लाह ताला इत्थे भी खैर है अगे भी खैर है, साडी कंड नहीं लगती ना इत्थे लगती है डॉक्टर साहब ना अगे लगेगी इंशाअल्लाह ताला। दूसरी गल मैं कर दिया करमा वाला शरीफ दे विच तरीका ओही चलेगा जेड़ा आला साहब करमा वाले निजाम वही चलेगा, और एक गैर सियासी आस्थाना है, एक हजरत साहब करना वाले का मिरास है, एक आस्थाना आपने तरीके ते ही चलेगा। अल्लाह करीम सानू बेहतरियां दी तौफीक अता फरमाए। ते तरीका केड़ा तरीका ओ जेड़ा बाबा जी सैयद मीर तैयब अली शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सानू दस दिता है, इत्थे तरीका वही चलेगा इंशाअल्लाह ताला। तीसरी गल मैं अर्ज करते हैं हजरत साहब पाक के मिशन को लैके बाबा जी सैयद मुहम्मद अली शाह साहब के मिशन को लैके मेरे दादा जी ख्वाजा ख्वाजगान बाबा जी सैयद उस्मान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को लैके और मेरे वालिद साहब जिन्होंने तुसी बैत की थी ये जिहड़ियां पग्गां बन के बैठे मेरे वालद साहब बाबा जी सैयद मीर तैयब अली शाह साहब के मिशन महफिले मिलादे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूदे पाक और तबलीगे दीन वास्ते सिलसिला आलिया नक्शबंदिया हजरत करमा वाला शरीफ दी फरोग वास्ते और बेलौस अवाम नास की मुहब्बत तो इश्क और खिदमत वास्ते अपनिया अपनिया सफा तो उठो और बाबे ने ना दा डंका गली गली ऊंची ऊंचा बजाओ। मैं तमाम जिली अमीरा तहसील अमीरा निगरान खादम मरकज महफिल मिलाद तमाम कमेटियां तमाम मुबल्लगीन और खसूस बिल खसूस तमाम खुलफान एक अर्ज करना कि जेड़ी जिम्मेदारी बाबा जी सैयद मीर तैयब अली शाह साहब ने तुहानू अता कीती उनका हक अदा करो और महफिल मिलादे पाक वास्ते तुसी निकलो। ये गल मैं कहता चंगा इस वास्ते अपने आप को नहीं समझता कि मैं गुनहगार बंदा हाँ, अल्लाह पाक मेरी हकीकत जानता है। ये तुहाडा मिशन है ते तुहानू इस वास्ते अर्ज कर रहा कि तुसी बेली तुर पवो, चलो इस बहाने मेरी आखरत का सबब बन जाए आला हजरत करमा वाले ते मेरे दादा जी मेरे ते राजी हो जाए। जिन्हों का खत्मे पा के उन्हों की गल ना करिए तो गल नहीं बनती। आखिरी गल मैं करना चाहना मैं दुआ कहवा तो तुम भी दुआ कहो हो कि अल्लाह करीम मैनू साइया के वसीले के नाल बाबे सैयद उस्मान अली शाह के कुटिया के सदके बख्श दे।
मैं इन्नी गल ही करनी सी, मैं दावत देना चाहना जी हाजी रमजानी साहब तशरीफ लैके आन ते मेरे तुहाडे दिलां नूं बाबा जी सईद उस्मान अली शाह साहब महबूबे आला हज़रत साहब करमा वाले रहमतुल्लाह ताला अलैह दी गल्लां दे नाल उर नूर फरमान। जज़ाकअल्लाह बेलियो मेरे वास्ते दुआ करिया जे, मैं दोबारा अर्ज कर रहा तुहानूं मेरे वालिद साहब ज़ारी हयात दे विच वी फरमांदे रहे, तमाम तंजीम बाबा जी दे मिशन दे उत्ते निकले, मुरीद ओही हुंदा है जिहड़ा पीर दा हुक्म मन्ने और मिशन ते चले। अल्लाह पाक ने बड़िया ही कहना कर देनिया ने, मैं बहुत गुनेगार हाँ, गुनेगार मगर खुश नसीब हूँ। हजरत साहब करमा वाले ने बड़ा करम किया है, मैं मुख्तसर गल करना चाहना, मैनू इशारा भी होया है, इंशाअल्लाह ताला करमा वाला शरीफ के उत्ते सारिया ही खैर। सल्लल्लाहु अला हबीबिहि मुहम्मदि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलाइका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह खैर करेगा जी, हुण हाजी साहब आ जाण ते महफिल दे विच बैठे रहो, तशरीफ रखो पिछले बैठ।